टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, किसके थ्रू बनता है वो। सो व्हाट इज अ पॉलीमर? पॉलीमर जो होता है एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है। सो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस हैविंग द वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। इट इज केमिकल सब्सटेंस हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और ये बनता कैसे? बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ते हैं। मोनोमर मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे आप यूज करते हो डे टू डे लाइफ में पॉलीथीन। ठीक है, दैट इज बेसिकली पॉलीइथिलीन। सो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस हैविंग द हाई मॉलिक्यूलर मास फॉर्म्ड बाय combination of simple molecules. That is monomer. ठीक है, after this एक example मैं बता देता हूँ। जैसे आपने लिया है n number of ethylene molecules, एन नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल, तो इसका होता है पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन करने के लिए आप यूज करते हो ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलीथीन जब बनाते हो तो कौन सा कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया था? ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट। सो ये फॉर्म करके देगा CH2 बॉन्ड CH2, दिस इज द पॉली इथिलीन, द पॉली ठीक है। सो पॉलीमराइजेशन जो है ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने दिया है। अब पॉलीमराइजेशन जब आप करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स आपस में, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन करने का तरीका क्या होता है वो देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो फटाफट अपन देखेंगे, नेचुरल पॉलीमर्स होता है बेस्ड अपॉन देयर ओरिजिन, बेस्ड अपॉन ओरिजिन। पहला तो ये हो जाएगा आपका नेचुरल पॉलीमर, नाउ नेचुरल पॉलीमर जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जूट के, फिर आपका सिल्क है, ठीक है। तो जो प्लांट से मिलता है, जो एनिमल से मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल, इट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल। सिंथेटिक जैसे हम लोग टेफ्लॉन आता है, फ्राइंग पैन आता है, आपका पॉलीथीन जैसे भी देखा, रबर हो गया, नाइलॉन 6/6 हो गया। तो एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेचुरल एंड द सिंथेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया नाइलॉन 6/6, टेफ्लॉन, ओरलॉन, ओके। इसके बाद होता है नेक्स्ट जो है वो मिक्स्ड है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी सिंथेटिक, दैट इज अ सेमी सिंथेटिक। ठीक है, रेयन आता है इसमें, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में क्या हो गया, जो नेचुरली होता है और इसमें थोड़ा सा मैन मेड भी आप बोल सकते हैं उसको, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है इसके अंदर। सो आपका वल्कनाइज्ड रबर, जो सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, रेयन, सेल्यूलोज एसिटेट बोलते हैं इसको, रेयन को। तो ये तो हो गया बेस्ड अपॉन देयर ओरिजिन। तो बेस्ड अपॉन ओरिजिन हमारे पास तीन है, बेस्ड अपॉन अभी स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर में लीनियर आता है, फिर ब्रांच्ड आता है, फिर बाद में आपका ये आता है जिगजैग, या फिर जिगजैग के बाद ये नेटवर्क टाइप का आता है क्रॉस। तो दैट इज द नेक्स्ट वन, बेस्ड अपॉन देयर ओरिजिन।
स्ट्रक्चर. द फर्स्ट वन इज अ लीनियर पॉलीमर. ठीक है, लीनियर पॉलीमर जो होता है वो स्ट्रेट ये होता है. ओके, अभी जो है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है. एंड दे हैव अ दे आर हाई डेंसिटी पॉलीमर्स. इतना डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आपने थ्योरी के लेक्चर में पढ़ा रहेगा ये सब. लीनियर के बाद आपका मिलता है ब्रांच चेन पॉलीमर. अब ब्रांच चेन पॉलीमर जो है ये बेसिकली आपका क्या होता है, एक चेन ऐसी है फिर उसके बगल में एक ब्रांच आ जाएगा, वो कनेक्टेड रहेगा. ठीक है, अब ये लीनियर पॉलीमर मतलब कैसा, ऐसे देयर इज नो कनेक्शन, एक के बाद एक ये कनेक्टेड रहेगा, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहेगा. ओके, सो दिस काइंड ऑफ इज कॉल्ड एज अ ब्रांच. जैसे आपका ग्लाइकोजन है, स्टार्च है. ठीक है, सो दे आर द लो डेंसिटी पॉलीमर. ब्रांच वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो डेंसिटी. एग्जाम्पल इज हियर स्टार्च, ग्लाइकोजन. फिर एक मिलेगा नेटवर्क पॉलीमर, या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी बोल सकते हो. जैसे आप देखते हो ना बेकेलाइट आता है, जो फ्राइंग पैन मिलता है, या फिर जिसके अंदर हम लोग चाय को सर्व करते हैं, ट्रे बोल सकते हो आप, मेलामाइन का होता है. बेकेलाइट का आपका स्विचेस, स्विच बोर्ड जो बनता है वो बेकेलाइट का होता है, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड. सो वो नेटवर्क पॉलीमर होता है. ठीक है, और ये काफ़ी थोड़े से रिजिड होते हैं और जल्दी टूटते नहीं है. अगर आपने इसको थ्रो किया, ज़मीन में फेंका, तो ब्रेक नहीं होता, बिकॉज ऑफ इट्स नेटवर्क इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप बोल सकते हो मेलामाइन. देखो इम्पोर्टेंट इसमें एग्जांपल ही है बेकेलाइट. ओके, सो दिस इज द नेटवर्क पॉलीमर. अभी बेस्ड अपॉन देयर पॉलीमराइजेशन, ये तो अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर दिया, आपने ओरिजिन के बेसिस पे कर दिया. अब इसके बाद जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड अपॉन देयर दिस, वो कैसे बना है बेस्ड अपॉन देयर पॉलीमराइजेशन. तो वो क्या एडिशन है, क्या वो कंडेंसेशन है. ठीक है, सो वो देखेंगे हम लोग. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. नाउ हाँ ओके ठीक है आकांक्षा, बिकॉज एमसीक्यू के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, सिनॉप्सिस को फटाफट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, इसका थियरी लेक्चर तो हुआ ही रहेगा आप लोगों का, नहीं हुआ है क्या थियरी लेक्चर? Yes, sir. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाऊंगा. सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड अपॉन देयर पॉलीमराइजेशन, तो ये होता है आपका एडिशन पॉलीमर. ठीक है,
पॉलीमर विच इज गेटिंग फॉर्म्ड बाय द मोनोमर कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जो भी पॉलीमर जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखता है, जैसे कि आपने देखा था पॉलीथीन, तो पॉलीथीन एक प्रकार का एडिशन पॉलीमर है. क्या है? एडिशन पॉलीमर. ठीक है. अब एडिशन पॉलीमर फर्दर दो तरह का हो सकता है, होमो पॉलीमर हो सकता है या को पॉलीमर हो सकता है. तो पहली बात तो एडिशन पॉलीमर किसको बोलेंगे? द पॉलीमर विच इज फॉर्म फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड. पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर. अभी ये जो है ये दो तरह का होता है, आपका होमो पॉलीमर होता है और को पॉलीमर हो जाता है. होमो पॉलीमर तो एक प्रकार का ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर का बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज होमो पॉलीमर. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पॉलीमर. एग्जाम्पल के तौर पे एज आई टोल्ड यू इथिलीन अच्छा तो को पॉलीमर क्या होता भाई? दो या दो से ज्यादा, मतलब ये देखो ये को पॉलीमर एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमर का. तो जब दो या दो से ज्यादा आपको मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे तो सिंपल सी बात है, दे विल बी अनसैचुरेटेड. तो जब आप बात करते हो बुना एन, यू टॉक अबाउट बुना एस. ठीक है. सो ब्यूटाडाइन स्टाइरीन बुना एस. तभी अगर आप बुना एस बनाना चाहते हो तो आपको क्या लगेगा? दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड लगेंगे और दोनों के दोनों जो हैं अलग अलग हैं. तो 1,3 ब्यूटाडाइन का पॉलीमर ले लिया आपने और कंबाइन करा दिया आपने स्टाइरीन के साथ में. दिस इज स्टाइरीन. ठीक है. सो व्हेन दे विल रिएक्ट टुगेदर तो अपने को क्या फॉर्म करके देगा? ये बुना एस. तो जो बुना एस है वो एक तरह से क्या है? को पॉलीमर है. तो आई होप होमो पॉलीमर मतलब वो भाई अकेला ही टाइप का रहेगा, को पॉलीमर मतलब दो अलग मोनोमर आएंगे और दोनों के दोनों जो है अनसैचुरेटेड रहेंगे. देन ओनली इट इज द पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड. तो ये हो जाएगा आपका स्टाइरीन CH2 CH डबल बॉन्ड CH1 CH2 CH2. चार कार्बन यहाँ पे, दो कार्बन यहाँ पे, तो छह कार्बन रहेंगे CH1 benzene. ये हो जाएगा आपका यहाँ पे N. जब आप ब्रैकेट के पहले लिखते हो तो वो मोनोमर होता है, जब उसके बाहर लिखते हो तो वो पॉलीमर हो जाता है. तो आई होप होमो पॉलीमर को पॉलीमर सभी को समझा. ये दोनों जो है ये एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी के अंदर आते हैं. Yes, everyone is getting this clear? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद जो हमको मिलता है वो मिलता है कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन जो होता है ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, व्हेनेवर देयर इज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, CO2, ठीक है, इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो
नेक्स्ट जो है आपका थर्ड वाला और सेकंड वाला कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन सभी को पता है, आपने पॉलीमर बनाया है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम, लॉस ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। अब वो स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या है भाई, वाटर है, CO2 है, अमोनिया है, वही सब है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंडेंसेशन का, तो एग्जांपल के तौर पे जब आप देखते हो नायलॉन 6-6, नायलॉन 6-6 बनाने के लिए आपको दो चीज़ें लगती हैं, हेक्सामेथिलीन, डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। अगर आपको थियरी याद होगा तो नायलॉन 6-6 बना, क्योंकि वो 6 क्या इंडिकेट करता है, नायलॉन 6-6 के अंदर दो बार 6 आ रहा है, तो ये दो 6 का मतलब ये कि जो उसके रिएक्टिंग मटेरियल हैं उनके पास 6 कार्बन है, तो ये इन जनरल इंडिकेट करने का ये करता है। सो नायलॉन 6-6 इज मेड अप ऑफ हेक्सामेथिलीन, डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड, प्लस एडिपिक एसिड, ठीक है भाई। तो अब हेक्सामेथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है, 6 मिथिलीन है और 2 अमाइन, एडिपिक एसिड भी सबको पता ही है, CH2 चार बार होता है, CH2 अपन चार बार लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं फिर हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है नायलॉन 6-6। क्या मिलता है, नायलॉन 6-6 माइनस वाटर। अब नायलॉन 6-6 का जो स्ट्रक्चर है वो भी बता देता हूँ मैं, वाटर जो है यहाँ से H2O दिख रहा है आपको, तो यहाँ से जो है एसिड से क्या निकलेगा, OH निकलता और अमोनिया से H निकलता, तो वाटर लॉस होगा, ये OH और यहाँ से एक H निकल गया, तो ये आपस में यहाँ से भी एक H निकल जाएगा, तो ये NH बॉन्ड CH2 6 NH C डबल बॉन्ड हो, फिर बाद में आपको मिलेगा CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड हो, N टाइम्स, ये है आपका नायलॉन 6-6। ये बोर्ड के लेक्चर में भी आप लोगों ने ऐसे कुछ पढ़ा रहेगा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर पॉलीमराइजेशन। तो हमने ओरिजिन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया है। अब हम बात करेंगे बेस्ड अपॉन देयर मॉलिक्यूलर फोर्स, बेस्ड अपॉन देयर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे हम लोग जो है इसको बोल सकते हैं, ये कितने टाइप का होता है, इट इज ऑफ एक इलास्टोमर होता है, एक फाइबर होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिक सेटिंग होता है, तो ये टोटल चार तरह के हो जाते हैं। देखो ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, पूरा रट्टा मारने वाला चैप्टर है, बोर्ड में भी MCQ में ही क्वेश्चन बनता है इसका और इंट्रेंस में तो है ही। इसमें से पूछते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, PHBB, ठीक है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाउ सी,
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स. पहला होगा इलास्टोमर, पहला क्या होगा इलास्टोमर्स. जैसे आपने रबर देखा, रबर तो जब आप नेचुरल रबर जो है नेचुरल रबर ले लो या फिर इनके अंदर बहुत तगड़ा वीक फोर्स होता है, आप जोर से दम लगाओगे टूट जाता है, ठीक है. और जब लेकिन आपको क्या करोगे उनको प्रेस करोगे तो क्या होता है वो स्ट्रेच भी हो जाता है. ओके, सो व्हाट आर द इलास्टोमर्स? Elastomers are polymer which are held together by the weak intermolecular forces, and there is a very weak this your binding energy जो उनके बीच में होती है वो कमजोर होती है. आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगा दोगे वो तुरंत टूट जाएगा. सो इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल जो बन सकते हैं, नेचुरल रबर बन सकता है, फिर गुना एन एंड गुना एस. समझ में आ रही है. आफ्टर दैट यू हैव फाइबर्स. अब ये फाइबर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो नेट बनाते हैं ना फिशिंग का नेट, वो नायलॉन के धागे का बनता है, उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा सा अच्छा होगा. रस्सी को या फिर नेट जो भी बनाए जाते हैं, रोप्स जो भी बनाए जाते हैं, वो बेसिकली थ्रेड के ही बनाए जाते हैं. और थ्रेड मतलब क्या होता है, फाइबर ही होता है. पतला सा धागा मतलब फाइबर, वही थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है. So a fiber belongs to a class of polymer which are like a thread and which can be woven into the fabric. उसको फाइबर बोलते हैं जिसको आप यूज कर, जिसको आप वूवन वूव कर सकते हो into the fabric, that is called as a fiber. And fibers का इस्तेमाल जो है नाइलॉन में बना, नाइलॉन 6-6. Then you got a terylene, एक होता पैन पॉली अक्राइलोनाइट्राइड. पैन को क्या बोलते हैं, पॉली अक्राइलो नाइट्राइड, ठीक है, दैट इज अ पैन. तो ये तो होगी बात फाइबर की. इसके बाद आपको मिलेगा थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. अभी देखो दोनों में क्या डिफरेंस है पता है, किसी को हीट करोगे तो सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड हो जाता है. तो जैसे आपका थर्मोसेटिंग होता है, आपका ये पैकेलाइट जो होता है, मेलामाइन जो होता है, सो दे आर लाइक दिस. उसको जब आप कभी एक्सपीरियंस किया रहेगा तो उसको जब आप गर्म करते हो ना वो क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, इट बिकम्स हार्ड, ठीक है. एंड उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कम होता है. और थर्मोप्लास्टिक का क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक जो होता है जब आप उसको थोड़ा सा हीट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इट गेट्स सॉफ्टर. एंड थर्मोसेटिंग जो होता है उसको हीट करने पर क्या होता है, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हार्ड सब्सटेंस. ओके, तो सबसे बेसिक सा डिफरेंस यही है, और भी बहुत सारे इसके अंदर की पॉइंट्स आपको मिलेंगे. सो थर्मो सेटिंग, थर्मो सेटिंग पॉलीमर प्लास्टिक. सो एज आई टोल्ड यू, थर्मो सेटिंग पॉलीमर्स आर द नॉर्मली low molecular mass substance and they gets hard when after heating. It is low molecular mass substances and it gets hard after heating.
एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बेकलाइट एंड तो ये मेलामाइन. बेकलाइट जो है वो स्विच बोर्ड बनाने के काम में आता है, स्विचेस एंड ऑल. मेलामाइन जो होता है वो ट्रे जो होता है वो मेलामाइन का बना होता है. ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं. आफ्टर दैट वी हैव थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है भाई? दीज आर द लाइक वेरी वीक विंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. एंड जैसे ही आप इसको गर्म करोगे ये क्या हो जाएगा? सॉफ्ट होता है. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको लिखना है पॉलीस्टायरीन एंड द पॉलीथीन. इट इज गेटिंग सॉफ्टर आफ्टर हीटिंग. एंड एग्जाम्पल पॉलीथीन पॉलीस्टाइरीन. तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है. आई होप यहाँ तक सबने पहले से ही पढ़ा रहेगा, इसमें कुछ नया मैंने नहीं बताया. जैसे एक तरह से मैंने रिवीजन ही किया है. ओके, आफ्टर दिस विल गो टू द कौन सी चीज़ें कैसे बनती है. लो डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर, स्टायरीन नॉल, आपका पैन, टेफ्लॉन, नायलॉन, ये सब बनाने के लिए अपने को क्या रॉ मटेरियल लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है. ये रट्टा मार के रखना भाई. इसमें कैसा है ना, रिएक्शन तो इस पर पूछते हो लो, बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं, बट एंट्रेंस में सीधा आपको पता होना चाहिए. कि जैसे कि कोई पूछ ले मेरे को आपका बेकेलेट बनाने के लिए क्या लगता है, तो बच्चे को पता होना चाहिए फिनॉल प्लस फॉर्मलडिहाइड का रिएक्शन होने पर हमको बेकेलेट मिलता है, ठीक है. तो वो पूरा का पूरा जस्ट दिमाग में रखना है. सो नाउ इफ यू वॉन्ट टू गेट अ हाई डेंसिटी, अभी मैंने बताया ना आपका ये पॉलीथीन जो होता है दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीमर. अब पॉलीथीन का पॉलीमराइजेशन करने के लिए हम लोग कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? बताया था मैंने स्टार्टिंग में, हाँ बहुत बढ़िया, जिगलर नाटा कैटलिस्ट. गुड, सी अभी कुछ यहाँ पे रिएक्शंस लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट कॉपी कर लेना. हाई डेंसिटी HOP. No. थ्री 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 कैल्विन से लेके 343 कैल्विन के बीच में इसको हीट करेंगे. 6 to 7 ATM का प्रेशर है. और जिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl3 प्लस आपका ट्राईथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है. ये दोनों का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं TiCl4 प्लस दिस योर ट्राईथाइल एल्यूमिनियम. This is the high density polymer. अब इसका जो इस्तेमाल है ये बेसिकली केमिकली इनर्ट होता है, इतना रिएक्ट नहीं करता. एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द बॉटल्स, हाउस वेयर्स जो भी होते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन के लिए, ठीक है. आफ्टर दैट PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड,
पॉली पीवीसी का हम लोग ये बनाते क्या मतलब जो रेनकोट्स होता है ना, जो खिलौने बनते हैं, ठीक है, दे आर द मेड अप ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. नाउ पीवीसी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, ये आपका है विनाइल क्लोराइड. एन नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड दिया है और इसको मैंने ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाई बेंजोइल परऑक्साइड. तो ये बना देगा पीवीसी, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा. सो दिस इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग द रेनकोट्स, टॉय, इवन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कैन एनीवन टेल मी टेफ्लॉन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेफ्लॉन ट्रीटमेंट होगा एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर देन वी गेट अ टेफ्लॉन. और टेफ्लॉन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो मैं बताता हूँ. बर्तन के ऊपर यूज करते हैं, जो नॉन स्टिकी आता है ना, सरफेस कोटेड नॉन स्टिकी जो भी आपका यूटेंसिल लेते हो उसके ऊपर टेफ्लॉन ही लगा रहता है. Teflon. It is also called as a tetrafluoroethene. So n number of CF2 double bond CF2 ka maine kar diya reaction. Catalyst. And there is a high pressure. Now, what is going to happen here? The double bond will get single bond. CFF on CFF. And then this is called as a Teflon. Now, it is chemically inert and it is used for making the coating of non-sticky pan. Okay. अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या समझना है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल है. अभी तक तो मैंने बहुत सारे भी कराए नहीं है. नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैन. एज आई टोल्ड यू पॉली अक्राइलोनाइट्राइड, और इसी को हम लोग ऑर्लॉन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑर्लॉन. टेफ्लॉन, ऑर्लॉन बोलो, पैन बोलो, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल बोलो, तीनों एक ही चीज है. ठीक है, अब इसको इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अक्राइलोनाइट्राइल ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड बॉन्ड CC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 
we will doing the polymerization. और इसको हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड. कैटलिस्ट तो ये क्या करेगा, CH2 दिस इज द ऑर्गन, दिस इज द ऑर्गन. यस सो टेफ्लॉन ऑर्गन दिमाग में रखना है. बस समझ में आ रही सबको. इसके बाद हम लोग देखेंगे नायलॉन 6-6. तो नायलॉन 6-6 का तो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया था. नायलॉन 6 इज द एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन. हाँ कंडेंसेशन में भी वो कौन सा टाइप है,
कोपॉलीमर इसका कोपॉलीमर ठीक है बहुत बढ़िया इट इज अ कोपॉलीमर नो अभी नायलॉन 66 का जो है इसका प्रॉपर्टीज और इसका इस्तेमाल जो है ये जो ब्रशेस रहते हैं ना इन टेक्सटाइल ब्रिस्टल्स एंड ऑल दे आर मेड अप ऑफ दिस ओनली एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द जो बेडशीट्स आती है प्लास्टिक की फैब्रिकेटेड वाली सो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन 66 जस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि उसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है बस नायलॉन 66 हो गया नायलॉन 6 का बता देता हूँ मैं नायलॉन 6 इज बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम द हीटिंग ऑफ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इफ यू हीट एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम अब देखो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम कैसे मिल रहा है तो मैं एक स्टेप पीछे जाऊँगा वहाँ से बताऊँगा नायलॉन 66 तो सबको पता चल गया अब हम बात करेंगे नायलॉन 6 तो नायलॉन 6 बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वी टेक एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम C double bond O CH2 NH CH2 ठीक है दिस इज द एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम नाउ एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम के अंदर आप क्या कर दीजिए पानी डाल दीजिए और इसको हीट कर दीजिए तो क्या होगा NH2 CH2 फाइव टाइम्स C डबल बॉन्ड OH फिर से इसको हीट कर दीजिए NH C डबल CH2 फाइव टाइम्स C डबल बॉन्ड This is the nylon 6. अब एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम कैसे बना वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है तो वो भी मैं बता देता हूँ ठीक है नाउ आपने लिया साइक्लोहेक्सेन लिया क्या लिया साइक्लोहेक्सेन अब साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन करा दिया मैंने तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन अभी साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर मैंने पास कर दिया हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन तो इसका रिएक्शन होता है ये बना के देगा साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन ठीक है साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन अब इसमें आपने करना है एडिशन ऑफ H2SO4 और ये रीअरेंजमेंट हो जाता है उस रीअरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट द बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पे होता है और अपने को फिर बाद में देता है ये एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम ठीक है सो 7 मेंबर रिंग है और इसके अंदर 6 कार्बन है तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसके अंदर 6 कार्बन इसके लिए नायलॉन 6 लिखना है वहाँ पर इज इट क्लियर एनी वन इज कोई डाउट है सर हाँ बोलिए सर बट टेक्स्ट बुक में दी गई है कि मतलब लैक्टम ऐसा होता है जब एसिड और अमाइन एक साथ इसमें आता है बराबर है आप किसका फॉर्मेशन बता रहे हो नायलॉन 6 का कि एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का सर एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का अच्छा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन दिया है टेक्स्ट बुक में क्या मैंने देखा नहीं है सर फॉर्मेशन ने बस वैसे बताया है कि मतलब लैक्टम ऐसा होता है जब एक अमाइन और एसिड ग्रुप एक ही साइक्लिक कंपाउंड में आता है
उसमें से वाटर रिलीज होने के बाद। अच्छा ठीक है, समझा मैं समझा। अभी ये लॉजिकली वही लग रहा है, ये जो है हाँ वो बराबर उसने दिया। अगर आपने क्या किया, अब ये इसको आप अमाइड भी बोल सकते हो ना, यू कैन कॉल दिस इज अमाइड ऑल्सो, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, दिस इज अमाइड। ओके, बट इसका जो मैकेनिज्म है, मैं इसमें आपका ये ऑक्साइन के अंदर साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइन, ठीक है, इसके अंदर जो है ये वैसे दिया नहीं है ना उन लोगों ने, दे हैव नॉट मेंशन दिस। इससे नहीं बना ना, ऑक्साइन से उसने नहीं बना के दिया, बराबर सर, तो मैं इसका मैकेनिज्म अभी करने जाऊंगा तो फालतू में टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट ये दिमाग में रखो कि ये एक तरीका है, और उसने जो दिया है उसने एसिड और अमाइन से बना के दिया लैक्टम, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ गेटिंग दिस। नाउ आफ्टर दिस नाइलॉन सिक्स के बाद फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन है, वो बहुत बड़ा सा रिएक्शन होता है। जस्ट आपको दिमाग में क्या रखना है, रॉ मटेरियल फॉर बैकेलाइट, सो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड गिव अस बैकेलाइट, ठीक है। अभी कैसा दिखता है, क्या है, वो कभी नहीं पूछेंगे। ओके, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करता है, ये थोड़ा सा तीन स्टेप का रिएक्शन है, क्रॉस लिंकेज होता है यहाँ पे, तब जाके आपको बैकेलाइट मिलता है, और बैकेलाइट का इस्तेमाल तो मैंने बता दिया। आफ्टर दैट यू हैव दिस मेलामाइन, सो मेलामाइन को बनाने के लिए हम लोग आपका ये फॉर्मल्डिहाइड प्लस मेलामाइन को आपस में कंबाइन कराते हैं, तो जाके हमको मेलामाइन का पॉलीमर मिलता है। जैसे बैकेलाइट का पॉलीमर आपको मिल रहा था फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से, वैसे ही मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से अपने को क्या मिलता है, मेलामाइन पॉलीमर। नेचुरल रबर और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, नेचुरल रबर को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन, क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। नेचुरल रबर आइसोप्रीन CH2 डबल बॉन्ड सी बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH आइसोप्रीन। नाउ अभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछने वाले में क्या, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, इंटरेस्ट में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इसको नंबरिंग कर दूं मैं तो नंबरिंग यहाँ से की जाएगी 1 2 3 4, अगर कोई लेफ्ट से करेगा नंबरिंग तो गलत हो जाएगा, बिकॉज मिथाइल को 4 नंबर 3 नंबर दे देगा। तो जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 है, आइडियली ऐसा रहता नहीं है, इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है आइडियली, ये इसका एक्चुअल अरेंजमेंट है ऐसे। तो इंट्रेंस में लोग क्वेश्चन क्या पूछेंगे, जो C2 और C3 है उसका लोकेशन क्या है, जो C2 और C3 है, ये 1 हो गया 2 3 4, तो देर लगेगा सीस, क्योंकि उनका डायरेक्शन एक ही तरफ है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो C2 और C3 जो है, C2 एंड C3 इज सीस कॉन्फिगरेशन। तो
इट इज अ सिस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रही है? यस। अब इसी के साथ में हमको एक और मिलता है नियोप्रीन। ये क्या था? ये नेचुरल रबर है। अभी जब आप क्लोरोप्रीन बनाते हो ना, तो क्लोरोप्रीन बनाने के लिए जैसे आइसोप्रीन होता है ना, वैसे क्लोरोप्रीन होता है। मिथाइल की जगह पे तो सीएल लगेगा, खत्म, और कुछ नहीं रहता। तो लोग एंट्रेंस में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्लोरोप्रीन जो है वो आपका पॉलीमर है, तो उसका मोनोमर क्या था? उल्टा बोला मैं, नियोप्रीन जो है ना वो तुम्हारा पॉलीमर है, तो नियोप्रीन बनाने के लिए आपको कौन सा मोनोमर का जरूरत पड़ता है? तो यहाँ देखिए, नियोप्रीन the polymer which is formed by the polymerization of chloroprene is neoprene. Polymer which is formed by polymerization of chloroprene is called as a neoprene or synthetic rubber. Isoprene क्या था? Natural rubber है. Is neoprene or synthetic rubber. ठीक है, इसका reaction देख लीजिए. Chloroprene CH2 double bond C CH double bond CH2, ये है आपका क्लोरोप्रीन। अब इसका मैंने क्या कर दिया, पॉलीमराइजेशन कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, CH2 bond C Cl double bond CH bond CH2, this is the neoprene and this is the chloroprene. So it is used for जैसे ये होता है ना आपका कौन सा बेल्ट हो गया, बेल्ट में लगते हैं, यूज करते हैं, और भी बहुत एप्लीकेशन है इसका। क्लोरोप्रीन दिमाग में रखना है, क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ आपका नियोप्रीन। नियोप्रीन आपको बनाना है तो बहुत सारा क्लोरोप्रीन आपस में लेके पॉलीमराइजेशन कर दो तो आपको मिल जाएगा। यस, एवरीवन इज गेटिंग दिस। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, इंटरेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नाउ आफ्टर दिस देयर इज अ गुना एन एंड देयर इज अ गुना एस, गुना एन एंड देन गुना एस। नाउ गुना एन बनाने के लिए आपको क्या लगता है, 1,3-butadiene प्लस नाइट्राइल, रट्टा मार लो, अक्राइलो नाइट्राइल, 1,3-butadiene प्लस अक्राइलो नाइट्राइल, गुना एस के लिए 1,3-butadiene एंड देन स्टाइरीन, 1,3-butadiene प्लस स्टाइरीन। ठीक है, जस्ट ये रिमार्क में रखना आप लोगों। अब मैं इसके डिटेल में नहीं घुसूंगा। पॉलिस्टर पता आप लोगों को क्या होता है, उसको हम लोग डेक्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्रॉन। पॉलिस्टर्स, पॉलिस्टर इज कॉल्ड एज अ डेक्रॉन। नाउ फिर पॉलिस्टर is also called as a dacron. Okay. एक दूसरा होता है ग्लिप्टल, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस ग्लिसरॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस ये सॉरी आपका ये क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। अभी डैक्रॉन को कैसे बनाते हैं वो भी चाहिए तो मैं साइड में लिख देता हूँ, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरेथैलिक एसिड, इथिलीन ग्लाइकॉल
प्लस टेरेथलिक एसिड। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको मिलता है डैक्रोन। अब डैक्रोन बोलो या फिर टेरिलिन बोलो या फिर आपका क्या बोलते हैं पॉलिस्टर बोलो, ये एक तरह से कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्या है? कंडेंसेशन। दूसरा मैंने बात किया ग्लिप्टल का, तो जो ग्लिप्टल है देखो मैं स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट आपको रॉ मटेरियल याद होना चाहिए। इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, सो दिस गिव यू द ग्लिप्टल। ठीक है, सो डैक्रॉन बता दिया, ग्लिप्टल बता दिया। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये दो बार नीट के एग्जाम में पूछा गया, दो बार पूछा गया, तो नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक पॉलीमर्स आर जो अपन बनाते हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अभी देखो नेचर में जो मिलता है, कॉटन मिलता है, सिल्क मिलता है, जूट मिलता है, वो सब अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ह्यूमन मेड है वो एक तरह से क्या वेस्ट है, वो पॉलीथीन बैग बना लिया, हमारा काम तो निकल गया, बट वो नेचर में तो डिकम्पोज हो नहीं रहा ना वो। सो जितना भी चीज़ें नेचुरल है दे आर ऑल इको फ्रेंडली, बट वॉट इज द सिंथेटिक दे आर द कॉजिंग द प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट। सो द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज। नाउ द नेचर हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ पॉलीमर व्हिच कैन बी प्रोड्यूस बाय द बायोलॉजिकल सिस्टम, और वो वहां से डिकम्पोज भी हो जाता है। जितने भी आपके देखा जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, आपका पॉलीसेकेराइड है, तो ये सब के सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो एग्जांपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, तो मैं वो बता देता हूँ आपको। सी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, इसको रट्टा मारने वाली चीज़ है। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ठीक है, आपका बायोडिग्रेडेबल। ग्लाइसिन लेते हैं और इसके अंदर ये लेते हैं कैप्रोइक एसिड, दोनों को कंबाइन करते हैं तो मिल जाता है, लिख देता हूँ यहाँ पे ग्लाइसिन प्लस कैप्रोइक एसिड। इसके बाद है आपका 3-hydroxy ब्यूटेनोइक एसिड, 3-hydroxy ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-hydroxy पेंटेनोइक एसिड। तो ये दोनों भी क्या है आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, बस समझ में आ रही है सबको। सो नाइलॉन 6 आपका, फिर नाइलॉन दिस पीएच पी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेटेड, बड़ा सा नाम है, नाम मेरे को प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक 3-hydroxy ब्यूटेनोइक, 3-hydroxy पेंटेनोइक, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ योर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो भी था वो कवर अप कर लिया है इसके अंदर। जब आप इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो और आपको जानने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता है इसमें एग्जांपल में क्या क्या पूछेंगे इंटरेस्ट मालूम है? जैसे कि क्या बोलते हैं, ह्यूमन हेयर विग बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड एंड देन अक्राइलोनाइट्राइड इज यूज फॉर मेकिंग द ह्यूमन एयर विग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। तो कमिंग लेक्चर जो है वो हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अब जैसे च्युइंगम खाते हो ना सब लोग, तो जो बबल गम होता है ना वो, उसके अंदर क्या मालूम है, रबर है वो। क्या है वो?
रबर है, दैट इज दिस ब्यूटाडाइन स्टायरीन होता है उसके अंदर, ब्यूटाडाइन स्टायरीन, ठीक है। ये जो मटेरियल को यूज़ करते हैं ना फॉर रैपिंग द फूड मटेरियल एंड ऑल, तो वो एक तरह से विनाइल क्लोराइड और ये होता है सैरान। ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल चार्ट दिया है, चार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, ओके। तो उसको कोशिश करो इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू रट्टा मारने के लिए, ठीक है। तो अभी अगले सेशन में हम लोग एमसीक्यूज का स्टार्ट करेंगे, तो मैं चाहिए रहेगा तो मैं वहाँ पर शेयर कर लूँगा।